Sir, according to your experience, is there any behavior change in old days Wyckoff cycle and current new market? No need to go that deep into it. सबसे पहली बात, तो Wyckoff cycles are applicable on higher time frame. बड़े time frame के chart पे ही Wyckoff cycle को apply करना चाहिए. Daily के नीचे आने की suggestion मैं नहीं देता हूँ. Second, Wyckoff cycles आपको market behavior समझने में help करते हैं. They are not trade tools. Like उससे आप कोई एक entry level या exit level नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक. और वो भी लाइक 90% ऑफ Wyckoff साइकल्स पूरी तरह से फेजेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमको एक कंफर्मेशन मिलता है कि क्या हो रहा है. अगर आप इनिशियल ए बी सी फेज को ही लेकर एक ट्रेडिंग व्यू बनाने की कोशिश करते हो तो यू विल ऑलवेज फेल. यू हैव टू वेट टिल डी फेज इज ऑलमोस्ट फिनिश. अगर डी फेज फिनिश होने के पहले ही आपने शुरू कर दिया Wyckoff के बारे में सोचना और उस हिसाब से ट्रेड बनाना, आप फंस जाओगे ट्रेड. यू हैव टू वेट डी फेज खत्म होने के लिए. जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आप ई फेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप उसके पहले एंटिसिपेट करना शुरू करते हो तो आप यू विल गेट इनटू ट्रबल. सो एंड आई रियली डोंट थिंक कि कुछ बदला है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि टेक्निकल एनालिसिस फील्ड पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी का है तो वो रिचर्ड डिमिल Wyckoff का है. हर किस्म के टेक्निकल एनालिसिस में आप उनको देख सकते हो, उनका जो भी एनालिसिस है, जो भी उनका काम है, उसका इफेक्ट आप देख सकते हो. तो आई थिंक ही हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. तो आई डोंट थिंक इतनी आसानी से चीज़ें बदल जाएगी जस्ट बिकॉज कुछ 50-60 साल हो गए हैं. इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. होप यू लाइक दिस कंसेप्ट ऑफ वन मिनट ट्रेडर. इफ यू फाइंड इट यूजफुल, your friends might find it useful too. So share this video with them right now. And to get notified about my next video, hit the subscribe button and ring the bell icon to turn on the notifications. I'll see you in the next one.